हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ ऑडिटिंग से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। हमारे टॉपिक का नाम है ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग। तो सबसे पहले बात करें ऑडिटिंग का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ पे एक सिंपल डेफिनेशन मैंने देके रखी है। तो मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट इज टू वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय क्लाइंट एंड हिज स्टाफ। यानी कि सबसे बड़ा जो पर्पस होता है ऑडिट का, वो ये है कि जो भी क्लाइंट और हमारे स्टाफ ने जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं, उन सबके वेरीफाई करना, उन सब अकाउंट्स को वेरीफाई करना, वही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है। और ऑडिट के अंदर एक और चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, वो है एरर और डिटेक्शन। यानी हम कहेंगे कोई भी तरह का फ्रॉड है तो उसका डिटेक्ट करना, या कोई भी तरह का एरर क्रिएट हुआ है वो भी एक मेन ऑब्जेक्ट में लिखा जाता है, मतलब एक मेन ऑब्जेक्ट में कंसीडर किया जाता है ऑडिटिंग के। फिर बात करें तो द प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर बाय द रीजन ऑफ डिटेरेंट एंड मॉरल चेक इंपोज्ड इज आल्सो एन एडवांटेज ऑफ कंसीडरेबल इंपॉर्टेंस व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम एन ऑडिट। यानी कि जो भी ऑडिट होता है उसमें जो भी एम्प्लॉयज है उन सबका मॉरल चेक होता है, साथ साथ में देखा जाता है कि कैसे फ्रॉड हुआ है, कैसे एरर क्रिएट हुआ है, वो सारे मेन ऑब्जेक्ट माने जाते हैं ऑडिटिंग के। अगर हम लोग डिटेल में पढ़े तो ऑडिट के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे टोटल तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला जो पार्ट है उसका नाम है प्रिंसिपल और मेन ऑब्जेक्ट, दूसरा है सब्सिडरी ऑब्जेक्ट और तीसरा है अदर ऑब्जेक्ट। तो तीनों ऑब्जेक्ट को मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट जो है वो है प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट। अच्छा देखो, प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट को मेन ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। तो ऑडिट का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, ऑडिट का जो मेन ऑब्जेक्ट वो है वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट ऑफ अ बिजनेस। यानी कि जो भी बिजनेस होता है उसके जो भी अकाउंट्स हैं उन सबको वेरीफाई करना, वही इसका सबसे बड़ा मेन फंक्शन माना जाता है, मेन ऑब्जेक्ट माना जाता है। इट विल एनेबल द ऑडिटर टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट बैलेंस शीट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ द व्यू ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। यानी कि यहाँ पे ऑडिटर जो है वो अकाउंट्स पूरे चेक करता है और वो चाहता है कि यहाँ पे जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर किए वो क्या सही है या गलत है, वो पूरा चेक करता है, वो खुद हिमसेल्फ चेक करता है और वो खुद सेटिस्फाई भी होता है उस चीज से। एंड दैट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉफिट और लॉस फॉर द फाइनेंशियल पीरियड। यानी इन शॉर्ट आपको मैं पूरा समझाऊं तो जो बैलेंस शीट होती है और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, इन दोनों को ऑडिटर प्रॉपरली चेक करता है और देखता है कि इन दोनों के अंदर कोई भी तरह की मिस्टेक तो नहीं है। अब देखो, बहुत सी बार गलती से भी हो जाता है और बहुत सी बार मिस्टेक जानबूझ के की जाती है, बहुत सी बार फ्रॉड किए जाते हैं, बहुत सी बार अपने आप एरर्स हो जाते हैं, तो उन सबको चेक करना ही ऑडिट का एक प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट माना जाता है। आगे बात करें, thus the principal object of audit may be stated as under, तो कौन से main object consider किए जाएंगे, तो उसमें सबसे पहला है to verify the accounts, यानी कि जो accounts prepare किए जाते हैं कोई भी business के द्वारा, वो check किया जाएगा, उसका financial statement को verify किया जाएगा, check किया जाएगा क्या उसने proper सही accounts prepare किए हैं कि नहीं। दूसरा इसका main object है ये पता लगाना कि जो balance sheet होती है ना वो true और fair view दे रही है कि नहीं, यानी कि जो balance sheet prepare की जा रही है कोई भी business के द्वारा वो क्या करेक्ट है, उसमें जो भी इस साल की यानी कि जो भी फाइनेंशियल पीरियड जो है उसका खत्म होता है, क्योंकि देखो बैलेंस शीट तभी प्रॉपर बनेगी जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा। तो जब फाइनेंशियल पीरियड खत्म होता है उसके बाद पूरा चेक किया जाता है कि ये पूरे फाइनेंशियल पीरियड के दौरान ये जो बैलेंस शीट बनाई गई है उसमें सारे ट्रांजैक्शन सही है, कोई भी तरह की मिस्टेक तो नहीं हुई है, इसलिए ये भी एक ऑडिट का मेन पर्पस है। और तीसरा है, देखो सिर्फ बैलेंस शीट चेक नहीं की जाती, उसके साथ-साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी चेक किया जाता है कि उसकी भी ट्रू और फेयर प्रॉफिट्स और लॉस बताए कि नहीं, कि भाई कुछ गलती तो नहीं है या जानबूझ के तो कोई गलती नहीं की है बिजनेस ने या बिजनेस के कोई एम्प्लॉय के द्वारा। तो ये सारी चीजें इसका क्या माना जाता है, मेन ऑब्जेक्ट है, प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट माना जाता है। तो तीन ऑब्जेक्ट में से पहला ऑब्जेक्ट मैंने आपको समझा दिया, वो था प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट। आगे मैं आपको बता दूं कि हमारी जो बीकॉम सेम फोर की बैच है ना, जिसमें हम लोग आपको टोटल चार सब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं, मेन चार सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंट, स्टैटिस्टिक, टैक्सेशन और ऑडिटिंग। तो इस तरह से मेन फोर सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करेंगे, वो भी 2399 में, जिसमें हम लोग लाइव लेक्चर्स भी पढ़ाते हैं एज वेल एज आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड हो जाएंगे। और आपको एक बेनिफिट वाली बात बताऊं, हम लोग आपके डाउट्स भी पर्सनली सॉल्व करेंगे, कॉल पे, व्हाट्सएप मैसेज पे या ऐप पे मैसेज करोगे तो हम पूरे आपके सारे डाउट्स
सॉल्व करेंगे तो आपका बहुत फायदा है, आपका पूरा बीकॉम सेम फोर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर आप हमारे बैच में ज्वाइन करोगे, और आपको एक अच्छी खासी नॉलेज भी मिलेगी। मैं तो कहता हूं आप बीकॉम कर रहे हो तो ऐसा नहीं है पढ़ने के लिए पढ़ो, आप उसका नॉलेज भी उसमें से गेन करो ना, बहुत आपके लिए बेनिफिट होगा। नेक्स्ट आगे बात करें तो नेक्स्ट अपना सेकेंड ऑब्जेक्ट है सब्सिडरी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, दो तीन थे उसमें से दूसरा आया सब्सिडरी ऑब्जेक्ट। तो सब्सिडरी ऑब्जेक्ट क्या है, तो सब्सिडरी ऑब्जेक्ट में दिया है व्हाइल परफॉर्मिंग द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट द ऑडिटर हैज आल्सो टू डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स। यस, देखो पहला तो हमने देख लिया कि वेरीफाई करना अकाउंट्स को, ठीक है, वो मेन ऑब्जेक्ट था। उसका सब्सिडरी ऑब्जेक्ट ये है कि भाई जो भी एरर्स और फ्रॉड्स किए जा रहे हैं या हो रहे हैं या गलती से हो गए हैं, वो सारे फ्रॉड्स को पकड़ना, डिटेक्ट करना और उसमें मिस्टेक को सुधारना। ठीक है, दिस डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड्स इज इंसिडेंटल टू द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट। और ये देखो ये इंसिडेंटल क्यों माना जाता है पता है, क्योंकि जब आप वेरीफाई कर रहे हो तो वो हमारा मेन ऑब्जेक्ट था, यानी कि मेन ऑब्जेक्ट के साथ साथ वो इंसिडेंटल है कि जब वो हम पहला वाला ऑब्जेक्ट कर रहे हैं परफॉर्म, मेन ऑब्जेक्ट है वेरीफाई करना, तो उसके अंदर ही वो आ जाता है, इसलिए इसको इंसिडेंटल कहा जाता है। मतलब अलग से फ्रॉड्स और एरर्स को डिटेक्ट नहीं करते, जब हम लोग वेरीफाई करते हैं उसी टाइम पे एरर्स और फ्रॉड डिटेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे वही दिया है सब्सिडरी ऑब्जेक्ट में दो ऑब्जेक्ट है, एक है डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स, यानी कि जो भी एरर्स हुए हैं उनको डिटेक्ट करना और उनको प्रिवेंट करना, और दूसरा है जो भी फ्रॉड्स डिटेक्ट करना और उन फ्रॉड्स को प्रिवेंट करना, ये भी इसका मेन ऑब्जेक्ट माना जाता है, जिसको हम लोग सब्सिडरी ऑब्जेक्ट कहेंगे। और आखिरी वाला है तीसरा अदर ऑब्जेक्ट। तो देखो इन एडिशन टू द प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट द फॉलोइंग आर सम अदर ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट। ये तीन जो है वो अदर ऑब्जेक्ट में आते हैं। सबसे पहला टू हैव अ मोरल चेक ऑन एम्प्लॉयज। एग्जैक्टली, कि भाई हम लोग ये चेक करते हैं कि एम्प्लॉय, कोई एम्प्लॉय जानबूझ के तो गलती नहीं कर रहा, जानबूझ के तो फ्रॉड नहीं कर रहा हमारे बिजनेस में, तो एक मॉरल चेक होता है कि उसका, उस एम्प्लॉय का जो ऑनेस्टी लेवल है वो कितना है। दूसरा टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट, कि हम लोग जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं वो क्या कंपनीज एक्ट के हिसाब से प्रिपेयर किया जा रहा है, अगर नहीं किया जा रहा तो उसको उस हिसाब से प्रिपेयर करो, तो ये उसका अदर ऑब्जेक्ट हो गया। और तीसरा वाला है टू क्रिएट कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट इन गवर्नमेंट एंड अदर ऑफिशियल्स। जब भी आप अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाते हो, चेक करवाते हो, वेरीफाई करवाते हो, तो गवर्नमेंट का ट्रस्ट बढ़ जाता है, गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस, और कोई भी ऑफिशियल्स है या कोई इंश्योरेंस कंपनी या कोई भी है उन सबका ट्रस्ट लेवल बढ़ जाता है ऑडिट करने से। तो ये था हमारा तीसरा वाला अदर ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में अपने ने अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स कवर किए हैं, तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। और एक और बात आपको मैं बता दूं कि ये वाले जो लेक्चर्स है ना वो आपको कंटिन्यूअस मिलते जाएंगे, एक के बाद एक लेक्चर मिलते जाएंगे। और अगर आप लोग को प्रॉपर प्रिपेरेशन करनी है बीकॉम सेम फोर की, तो हमारा एक फ्री का व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें जुड़ सकते हो। बीकॉम सेम फोर का एक अलग है, बीकॉम सेम टू का अलग है, बीकॉम सेम सिक्स का अलग है, अलग अलग सेम के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है ना, क्लिक करके आप हमारे WhatsApp ग्रुप में भी जुड़ जाना, जिससे उसमें आपको अलग अलग तरह की डिटेल्स और आपको बड़ा हेल्पफुल रहेगा वो ग्रुप, सारी तरह की अपडेट्स आपको वहां पे मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।